कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा मृत्यु दर न्यूनतम करने की दिशा में हर संभव प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जन सामान्य में जागरूकता लाने, साफ सफाई तथा बेडों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। मंडलायुक्त ने कहा कि MOYC पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करे तथा ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियां सक्रियता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। यदि कहीं भी किसी को कोविड की संदिग्धता हो तो उसकी तत्काल जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि वे BRD कॉलेज में कंट्रोल रूम स्थापित करें और मरीजों की कैटेगरी का निर्धारण हो ताकि उनके तदनुरूप व्यवस्था कार्रवाई की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि एम्बुलेंस नियत समय पर पहुंचकर मरीज को अस्पताल पहुंचाए और यदि कहीं एम्बुलेंस के पहुंचने में विलंब की शिकायत प्राप्त हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि COVID-19 के मरीजों की जाँच हेतु रैपिड एक्शन टीम का गठन किया गया है। 10 टीमें शहरी क्षेत्र में तथा 10 शहरों से बाहर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि रैपिड टीम से डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। बैठक में AD हेल्थ, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अरे कल तो किस तारीख है सर? कल डिस्ट्रिक्ट की बोल, हाँ बता रहे, कल डिस्ट्रिक्ट में 3 BRD में हुई, एक रेल, एक हमारे यहाँ हुई, ये भी घर के जो हमारा फिजिकल गेट पे पता है हमारे को हमने अच्छा सर भी पढ़ाया है सर। ये 8 बजे रात को आप 29 को ही हल्ला उठा के रेलवे में आ गए। तो अब रेलवे में आपकी L2 चल रही है ना? अभी शुरू हुई है सर, अभी 12 बजे। ये जो डेथ हुई है ये क्या है? ये उनका पेशेंट था सर, पहले वो इलाज करते रहते थे, उसके बाद कोविड टेस्ट करा, कोविड पॉजिटिव आया तो रखे उन्होंने थोड़ी देर इलाज किए। लेकिन ये उनको पास डेथ के सारे डिटेल्स आपको दे रहे हैं, इस पर आप से निकाले दे रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं आपको जो इनिशियल से मिल रहा है आपको क्या लग रहा है, किस वजह से? मैंने ग्रास किया टीम के साथ जो जानने का, हमारी जो मोहल्ला समितियाँ हैं या निगरानी समितियाँ ग्राम स्तर पर, वहाँ से कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। एक बीमार होता है, अगर कोई चेतन है हॉस्पिटल पर चला गया तब तो फिर आगे कुछ श्रीराम हो पा रहा है, अदरवाइज जो बिल्कुल जब ज़्यादा उस पर हो जाता है तब आगे किस ट्रम बन रहा है। एक फैक्टर तो प्राथमिक तौर पर निकला सर, कुछ अच्छा केस मैंने देखा था, मोबाइल से लोगों से मैंने बात किया, उनके परिवार वालों से एक चीज ये निकल के आया, वो उस लेवल पर भी नहीं हो रहा सर। दूसरी चीज, एक केस तो ऐसा भी आया सर कि शहर का ही मामला, और वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ दिन अपने यहाँ करता है, फिर उसके बाद जब ये निकल के आता है कि नहीं कोरोना पॉजिटिव है, तो उसके घर परिवार के लोग CMO साहब के कार्यालय को, विभिन्न जगहों के कार्यालय को फोन करते हैं, यहाँ तक PRD फोन जाता है और ये बता दिया जाता है कि कोई जगह नहीं, आप उनको उधर प्राइवेट वाला कहता है अपने घर के लेके जाओ, और उसको कह दिया जाता है कि हाँ कोई जगह नहीं, क्यों मजबूर होकर के फिर अपने घर को शिफ्ट करता है, और फिर दूसरे दिन किसी अन्य किसी के प्रयास से वो आदमी जाता है मेडिकल कॉलेज, और फिर तीसरे दिन उसकी डेथ हो जाती है सर। कि हमें हर बहुत